मी प्रियंका शंखनाथ न्यूज चॅनल च्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी। रस्ते सुरक्षित आणि अपघात मुक्त करण्यासाठी वर्तणुकीतील परिवर्तन आणि एकत्रित सामाजिक प्रयत्न आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन डीसीपी ट्रॅफिक अंचित चांडक यांनी आरबीआय चौक नागपूर येथे इस्माईल सिविक तर्फे आयोजित सुरक्षा रस्ता सुरक्षा जागरूकता मोहिमेदरम्यान केले आहे। रस्ता सुरक्षेला चालना देण्याच्या उद्देशाने जुना काटोल नाका व्हरायटी स्क्वेअर शंकरनगर चौक टेलिफोन एक्सचेंज येथे ही मोहीम राबवण्यात आली। आरबीआय चौक आणि शंकरनगर चौक येथे भेट दिल्यानंतर डीसीपी चांडक यांनी रस्ते अपघातातील मृत्यूच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली। जागरूकता निर्माण करण्याच्या आणि लोकांना अशा उत्साही पद्धतीने जागरूक करण्याच्या इस्माईल सिविकच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाचे त्यांनी कौतुक केले। मध्य उत्तर आणि पूर्व भारतासाठी इस्माईल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ सुलेमान विराणी यांनी त्यांचे स्वागत आणि सत्कार केला। ये जो ड्राइव है हमारा स्माइली ग्लोबल सिविक डे है, उसके दौरान हमारी कम्युनिटी की तरफ से आज 29 सितंबर को हर तरफ ये ड्राइव की जा रही है। आज हम ये देख रहे हैं कि कितना लापरवाही की वजह से, छोटी एक गलती की वजह से कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो हम इस माध्यम से लोगों को ये सचेत करना चाहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का ज़रूर पालन करें, जिससे खुद की और सबकी सुरक्षा रहे और इसी में देश की भलाई भी। अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को स्ट्रिक्टली लाइसेंस के दौरान लाइसेंस चला के ही गाड़ी चलाया जाए, ड्रिंक एंड ड्राइव का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अगर हमारी यातायात नियम को हम बराबर फॉलो करें, ट्रैफिक पुलिस अपने रूल्स को एनफोर्स करे कि 18 साल से कम के बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ी न चलाए, और एक समय के बाद जब हमने पाया है कि बाहर के जब आउटर एरिया में लोग जा रहे हैं वो ड्रिंक करके रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उसकी तादाद में मासूम लोगों की जान चल जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब रूल्स का पालन करें, और सख्ताई से नियम का पालन होगा तो सब लोग ध्यान से सच्चे। हम लोग आए, हम तो 12 साल से यह काम कर रहे हैं, और हमें दुख है कि इतना सब होते हुए भी इंडिया में हर साल 4,60,000 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 1,60,000 का लोग मरते हैं और काफ़ी लोग जख्मी होते हैं। तो उसके प्रति संवेदना करके हम लोग ये एजुकेशन का काम किए, तो हम लोग हर बुधवार को किसी न किसी चौक में हमारे 30-35 वॉलेंटियर्स जाते हैं और लोगों को पर्सनली हम लोग बताते हैं ये चीज़ के बारे में कि ये आपने अगर ट्रैफिक का रूल का पालन किया तो एक्सीडेंट का प्रमाण कम होगा। उस हिसाब से हम लोग हर चौक में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, और अभी हमने एक नया शुरू किया है। हमको कॉरपोरेशन ने हमको मदद की और ट्रैफिक पार्क हमको दिया 3 साल के लिए, तो वहाँ हम सिटी बस के जो ड्राइवर है वो करीब 1,000 ड्राइवर है, उन लोगों को हम 50-50 की बैच में 1.5 घंटे के लिए बुला के ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसका काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज के डेट में 550 लोगों का ट्रेनिंग हो चुका है, और 450 लोग गुरुवार और शुक्रवार को आते रहेंगे, और 50-50 की बैच में हम लोग उनका ट्रेनिंग लेते रहेंगे। उनका भी रिस्पॉन्स इतना है कि हमको काफ़ी अच्छा सीखने मिला ये चीज़ में, ये चीज़ है ज़रूरी। उसके सिवा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों को अगर अभी से एजुकेशन दिया तो हमारी पीढ़ी ने तो ये कबूल कर लिया कि हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन नई पीढ़ी अगर आएंगी तो नई पीढ़ी को अभी से अगर ये मिल गया तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि 4थी क्लास या 5वीं क्लास से ट्रैफिक एजुकेशन अगर रहेगा तो उन लोगों में जन जागृति होने के बाद में हमारी जनता सुधर सकती है, हमारा ट्रैफिक सुधर सकता है इसमें। इसलिए 5वीं क्लास से सभी लोगों को, सभी क्लास को ट्रैफिक सुरक्षा का नियम पढ़ाया जाए, ट्रैफिक सुरक्षा का अवेयरनेस दिया जाए, जिससे ऐसा हुआ कि नई पीढ़ी जो आएंगी, नई पीढ़ी में ये बच्चों यंग लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर देखा जाए कि यंग लोग अपने माँ बाप की गाड़ी लेते हैं जबकि उनकी उम्र नहीं रहती गाड़ी चलाने की, जिनको उनको कोई अनुभव नहीं रहता, और वो गलती माँ बाप की है कि उन्होंने, माँ बाप ने बच्चों को गाड़ी एक तो देना नहीं चाहिए, या दिया तो कम से कम लाइसेंस है कि नहीं इसका देखना चाहिए। और दूसरी बात है नशा, आज जो देश में चल रहा है कि छोटा बच्चा 18 साल का नहीं होता उसको नशा हो जाता है ये चीज़ का, और वो नशे के कारण फिर गाड़ी चलाता है, बच्चों दोस्तों के साथ में घूम रहा है, 4-5 लोग आराम से घूम रहे हैं और रात को बेरात को ये घूम के वो नशा करके गाड़ी चला रहे, इसी से हिट एंड रन हो रहा है। क्योंकि हिट एंड रन पर तो इतना ज़्यादा जुर्माना लगना चाहिए माँ बाप पे या जिसकी गाड़ी है उसके ऊपर कि उनको पता चले कि अपने बच्चों को गाड़ी देने की बजाय अपन पहले सोचे कि इतना बड़ा जुर्माना हमको देना पड़ेगा। तो ये तो नहीं, स्कूल के बच्चों को जो गाड़ियाँ यूज़ की जा रही है वो माँ बाप और मैं बहुत गलत कर रहे हैं वो लोगों,
और बच्चों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। उनको तो मजा आएगा, लेकिन जब उनको सजा मिलेगी तब उनके माँ बापों को कैसा लगेगा और कितना खर्चा आता है और कितना अपाहिज हो जाते हैं। इसके लिए स्कूल के अंदर में अगर इसको एक महीने में एक बार दो बार अगर या साल में तीन चार बार एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन ले और बच्चों को बताए कि भाई एक्सीडेंट कैसे होते हैं, सेफ ड्राइव कैसे रहना चाहिए, स्लोगन जो है दुनिया भर के होते हैं वो किस तरीके से, ऐसे कंपटीशन छोटे छोटे ले स्कूल के अंदर में, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि बच्चे अगर वो जो चीज़ बनाएंगे तो माँ बाप के सपोर्ट में बनाएंगे, माँ बाप को मालूम रहेगा, प्राइज मिलेगा, तो उसमें एक अच्छी अवेयरनेस पैदा होगी। डॉक्टर सुलेमान विराणी यांनी या उपक्रमाचे महत्व अधोरेखित केले आणि डीसीपी चांडक यांना इस्माईल सिविक ने राबवलेल्या विविध जागतिक उपक्रमांची माहिती दिली। विराणी यांनी नागपूर वाहतूक पोलिसांचे आभार मानले आणि अलीकडील ट्रॅफिक पोलिसांच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन लहान परंतु महत्वपूर्ण उपायांमुळे रस्ते अपघात टाळता येतात असे सांगितले। रस्ते अपघातांची मुख्य कारणे जसे की वेगात चालणे, हेल्मेट शिवाय वाहन चालवणे, ट्रॅफिक सिग्नलकडे दुर्लक्ष करणे आणि वाहन चालवताना मोबाईल फोन वापरणे भारतातील रस्त्यावरील मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरतात। रस्ता सुरक्षिततेतील दुर्लक्षामुळे दरवर्षी लाखो जीव गमावले जात असताना या गंभीर समस्यांबाबत जागरूकता आणणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले। कॅमेरामॅन सचिनसह सनी भोंगाडे, शंखनाथ न्यूज, नागपूर। क्या हुआ बहू? माँ पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जाँच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जाँच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepilesHospital.com।